आजमगढ़ मुबारकपुर थाना क्षेत्र के पुरुषोत्तमपुर में घात लगाए बदमाशों ने बाइक सवार ताबड़तोड़ फायर झोंक दी। बाइक पर बैठी पत्नी पति के बचाने में गोली लगने से गंभीर रूप से घायल हो गई। महिला को कमर और हाथ में गोली लगी है। घायल को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां हालत गंभीर देखते हुए उसे हायर सेंटर के लिए रेफर कर दिया गया। बताते चले कि करीब 9:30 बजे बाइक से जा रहे पति पत्नी पर घात लगाए बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायर झोंक दी। पति को बचाने में महिला घायल हो गई। सूचना पर मौके पर पुलिस अधीक्षक सहित थाना प्रभारी, एसपी सिटी और सीओ सदर पहुंच गए। पति के अनुसार कुछ दिन पूर्व उसने एक जमीन खरीदी थी, जिसको लेकर उसका विवाद चल रहा था। उसी विवाद के चलते विपक्षियों द्वारा इस घटना को अंजाम दिया गया। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि एसपी सिटी के नेतृत्व में 2 टीमें गठित की गई हैं। जल्द ही मामले में संलिप्त लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। आज सुबह लगभग 9:30 बजे थाना मुबारकपुर अंतर्गत गांव पुरुषोत्तमपुर में एक 35 वर्षीय महिला को हाथ व कमर में गोली लगने की सूचना चौकी प्रभारी बनकट को प्राप्त हुई। इस सूचना पर तत्काल थाना प्रभारी और एसपी सिटी और सीओ साहब को मौके पर भेजा गया। जो मजरूबा है उनको जिला अस्पताल प्राथमिक उपचार के लिए भेजा गया, जहां पर उनका प्राथमिक उपचार होने के बाद उनको बनारस बेहतर उपचार के लिए रेफर किया गया है। जो इंजर्ड महिला है उनके पति के द्वारा हाल फिलहाल में एक जमीन खरीदी गई है। उनके द्वारा बताया गया है कि इसी जमीन को लेकर इनका कुछ विवाद था और जिन लोगों से विवाद था उन्हीं के द्वारा ये घटना कारित की गई है। घटनास्थल का निरीक्षण मेरे द्वारा किया गया है। मौके पर वर्तमान में एसपी सिटी और सीओ सदर मौजूद है। एसपी सिटी के नेतृत्व में 2 टीमें गठित की गई हैं, जिनके ऊपर जो इंजर्ड महिला है उनके पति के द्वारा आरोप लगाया गया है उनकी गिरफ्तारी के लिए और इस पूरी घटना के अनावरण के लिए, उसके साथ साथ जो भी इसमें शामिल लोग हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए ये 2 टीमें गठित की गई हैं। बहुत जल्द हम घटना का अनावरण सुनिश्चित करेंगे और जो भी लोग इसमें शामिल हैं उनके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई सुनिश्चित की।